Assalamu alaikum to class. Welcome to the online classes from Oxford Grammar School. I hope you will be fine. To class, open your social study book, unit number 3 and page number 30. So students, कल हमने food and clothes इस unit को हमने यहाँ तक read किया था, जिसमें हमने food की two categories read की थी, जो कि एक है प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स, जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं. एंड थर्ड है कॉर्न ऑयल, ऑयल जो कि हम डेली कुकिंग में यूज़ करते हैं, कि ऑयल किन प्रोसेसेस से गुजरकर और किस तरीके से बनता है और कैसे ये हम तक पहुंचता है. ऑयल इज़ यूज फॉर कुकिंग, ऑयल खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. दीज पिक्चर्स बिलो शो यू हाउ कॉर्न ऑयल इज़ मेड. ये देखें, पिक्चर्स में बताया गया है कि किस तरह ऑयल जो है वो बनता है. फर्स्ट में है, अ फार्मर प्लग्स द लैंड विद अ ट्रैक्टर. लुक एट दिस पिक्चर, ट्रैक्टर के साथ वो क्या कर रहा है, प्लग कर रहा है, हल चला रहा है. एंड सेकेंड पिक्चर में, कॉर्न इज सोन इन द फील्ड. इसका मतलब है कि कॉर्न कहते हैं मकई को, मकई के जो बीज हैं वो उसको क्या कर रहा है, बो रहा है. पहले उसने प्लग किया, फिर उसने उसमें बीज को बोया. नेक्स्ट है, रेन हेल्प्स द क्रॉप टू ग्रो. बारिश जो है वो फसल को बढ़ने में मदद देती है, क्योंकि बारिश के पानी से ज़्यादा ज़मीन ज़रखेज़ होती है और फसल तेज़ी से बढ़ती है. आगे देखें पिक्स में, द क्रॉप इज स्प्रेड टू किल पेस्ट. इट्स मीन कि स्प्रे किया जाता है सारी फसल को, ताकि सारे कीड़े मकोड़े मर जाएं. द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, द कॉर्न इज टेकन टू अ फैक्ट्री. कॉर्न को फैक्ट्री ले जाया जाता है. टू क्लास, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 32 पे. इन द फैक्ट्री द कॉर्न इज क्रश्ड टू टेक आउट द ऑयल. यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे कॉर्न को क्रश्ड किया जाता है. ये देखें पिक में नीचे है बना हुआ, कॉर्न को क्रश किया जाता है किसके लिए, ऑयल निकालने के लिए. इट इज़ पुट इन टू टीन्स बॉटल्स एंड बैग्स एंड लेबल्ड. इनको क्या किया जाता है, इन्हें टीन्स बॉटल्स और बैग में डाला जाता है और ऊपर लेबल किया जाता है, मीन के ऑयल का नेम मेंशन किया जाता है. दीज आर टेकन टू द शॉप्स वेयर वी बाय देम. जहाँ हम इसको ख़रीदते हैं, इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें शॉप पर रखा जाता है, सेल करने के लिए ले जाया जाता है, उन्हें आसानी से ख़रीद सकें. नेक्स्ट देखें, फिलिंग ऑयल इन कंटेनर्स. ऑयल को कंटेनर्स में भरा जाता है, मीन जार, जार्स में भरा जाता है. कॉर्न ऑयल बॉटल्स और कॉर्न ऑयल बॉटल्स में भरा जाता है. इनको डिफरेंट बैग्स, कंटेनर्स एंड बॉटल्स में भरा जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है, जहाँ से हम लोग खरीदते हैं. आई होप टू क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी पूरी ऑयल की प्रोसेसिंग, कि किस तरीके से वो जो है वो किसान उसे प्लग आउट करते हैं, फिर वाटरिंग करते हैं, फिर सेपरेट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, एंड देन उसे फैक्ट्री में ले जाया जाता है. नेक्स्ट फैक्ट्री में वो क्रस्ट की जाती है, फिर ऑयल निकलता है और ऑयल को कंटेनर्स, जार, बैग्स और बॉटल्स में फिल अप किया जाता है और उन्हें शॉप पर भेज दिया जाता है, जहाँ से हम उसे ख़रीदते हैं. सो इस तरीके से फूड जो है वो हम तक पहुँचती है और इतने प्रोसेस से गुजरकर हमारे तक पहुँचती है. सो बच्चों, आपने इसको लर्न करना है, रिपीट करना है अच्छे तरीके से, आपकी रीडिंग बिल्कुल वेल होनी चाहिए. ये टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.